बिजली का पोल गिरने से पशु घर गिरा, एक की मौत, दो बच्चे घायल। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य फावटा ग्राम पंचायत की कमेला फला में बुधवार देर शाम पशु घर गिरने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस से ओबरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। पूर्व सरपंच हरिहर परमार ने बताया कि बिजली निगम का पोल फावटा निवासी भारतपुत्र थानिया डामोर के केलुपोष पशु घर पर गिर गया। इसमें पशु घर में मौजूद 10 साल के राहुल पुत्र ईश्वर डामोर की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 वर्षीय दीपिका पुत्री हिम्मत राम डामोर एवं 7 वर्षीय लवरा पुत्री हिम्मत राम डामोर घायल हो गए। घायलों को ओबरी की 108 एम्बुलेंस से ओबरी चिकित्सालय लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को सागवाड़ा रेफर कर दिया। उप अधीक्षक एवं थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। ओबरी अस्पताल पहुंचे सरपंच रूपलाल परमार व मोगा डामोर सहित पुलिस उप अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। क्या घटना हुई थी कल आपके पास? तो वो लाइट का खंभा गिर गया। बिजली का? बिजली का। किससे गिरा बिजली? वो हमारे घर के बाजू में। पशु घर। कितने बच्चे थे इसमें? इसमें 4 बच्चे थे। चार बच्चे थे, उसमें से 3 बच्चे दब गए अंदर और 1 बच्चा निकल गया, तो 1 की डेथ हो गई और 2 ये गंभीर हो गए। राहुल पिता ईश्वर नाम। उम्र कितनी थी? उम्र इसकी 10 साल का। पढ़ाई कर रहा है? 5वीं में। और ये दोनों बच्चों का क्या नाम है? इसका दीपिका, इसका मेरा क्या नाम नवराज। अभी इसके बाद में क्या कार्रवाई हुई? यानी पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस आई थी मौका देखने के लिए। कोई आगे की कार्रवाई हुई? आपका कोई नाम की वो सरपंच गांव के थे और उनको इसके साथ बाकी मेरे लड़के को लेकर एम्बुलेंस कर करता अस्पताल पर। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।